आती मुझे जब आना ही था ऐसे तो उसके साथ लेके आती। आंखों में पानी आ रहा है ठंड की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। कप में डालता हूँ बर्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेरिका में एक और दिन और नॉर्मल ही डे है वैसे, लेकिन आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं, सोचा छोटी सी पिकनिक कर लें, तो चलते हैं। यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव हमारी होने वाली है हाईवे के ऊपर, तो चलते हैं, अभी मज़ा आएगा। बाहर का वेदर जो है अभी हल्के हल्के बादल हैं, थोड़ी थोड़ी सी बारिश पहले हो रही थी लेकिन अभी जाना वो रुकी हुई है। ये देखो तैयारियों में क्या क्या हुआ है हमारे पास। ये बैग यहाँ पर रखा हुआ है मैडम साहब ने, तो बैग लेके चलते हैं, इस बैग को अंदर फिट करते हैं। और यहाँ पे अभी अभी और भी सामान है हमारे हाथ में, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। मिनाल, वेयर आर वी गोइंग? कहाँ जा रहे हैं हम? आर यू हैप्पी? तो चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी तो अभी फिलहाल हम लोग निकलने लगे हैं, और बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैंने अपनी लोकेशन वगैरह लगा ली है जहाँ पे मैंने जाना है। और मिनाल को हम लोगों ने पीछे बेबी शीट पे बिठा दिया। मिनाल, लेट्स गो। रास्ते में रुके, हमें थोड़े से स्नैक्स पकड़ने हैं, बस वो पकड़ने के बाद हम निकलते हैं सीधा। और हम लोगों ने जो है अपने खाने पीने की चीज़ें कंप्लीट कर ली है, बस एक कोका कोला रह गई है, वो मैं अभी उठा लूँगा। और हमने जो है ना कुछ टाकीज लिए हैं, लेज लिए है, और पिनट्स लिए है, वेफर, कुछ प्लेट्स लिए हैं डिस्पोजेबल, और साथ में हमने ऑरेंज लिए हैं, एक छुरी हम भूल गए थे घर, वो लेके आए हैं। हमारे पास चीज़ें हैं, जेली और चॉकलेट्स भी हैं, तो और भी एक दो चीज़ें जाते जाते उठा लेंगे और बस निकलते हैं, जल्दी लेट हो रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स गो, फास्ट 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 फास्ट। बड़ी लेंगे छोटी लेंगे, समय नहीं आ रही, क्योंकि बड़ी जो है वो ठंडी नहीं मिल रही, छोटी जो है वो गर्म नहीं मिल रही। ठंड भाई, ठंडा तो मैंने जो है ना कोक लेके डिग्गी के अंदर डाल दूंगा, तो उससे होगा ये कि जो है ना ठंडी हो जाएगी, तो सही है। जो सामान हम लोगों ने सारा यहीं रख लिया था, कि जो चीज़ हम लोगों ने खानी पीनी हो तो वो हम लोग खा पी लें साथ साथ। निकलने से पहले खाने शुरू कर दिया, बहुत स्पाइसी है, तो इतना ही है। मैं बहुत स्पाइसी लेकर आई हूँ, फिर आप मत खाएं। रियल लाइफ में देखने में और इसमें वीडियो में देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ब्रो। रियल लाइफ में देखने का अपना ही मजा है, नेक्स्ट लेवल। ट्रैक जो ना ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जो ना मैं थोड़ा केयरफुल रह के जाना गाड़ी ड्राइव करनी होगी। नीचे से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, और साथ जो है ना यहाँ पे पहाड़ है बिल्कुल हमारे साथ। मुझे जो है ना वो फील आ रही है जिस तरह मरी वाली साइड की फील होती है ना। और हम लोग पहाड़ के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया देखने के लिए। यार क्या ही मजे का व्यू लग रहा है, ग्रीनरी साथ में, बादल साथ में, ये स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे सारी, तो बहुत ही मजे का लग रहा है ब्रो सीन। तो खैर आपको अब मैं वहाँ चल के आगे दिखाता हूँ और क्या सीन है। और गाड़ियाँ यार यहाँ पे लोग बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड लिमिट की इतनी फिक्र नहीं करता यहाँ पे लोग, ये मैंने चीज़ नोट की है, क्योंकि कैमरे बहुत कम लगे हैं दुबई में, तो जगह जगह पे कैमरे थे, यहाँ पे कैमरे बहुत कम है, ये मैं आपको बता दूँ, इसलिए स्पीड लिमिट का इतना ख्याल नहीं करते। जो चलने लगे, चलने लगे ये रास्ते, हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे। अच्छा फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ से बहुत वाइड व्यू आ रहा था, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, बहुत ही मजे का व्यू है ब्रो। नीचे अगेन रियल लाइफ में देखने में और मोबाइल में कैप्चर करने में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे खैर स्नो है सारी, और प्लस वहाँ पे जो है ना लोग वो कर रहे हैं आइस स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, हम तो खैर नहीं करेंगे क्योंकि ना तो एक्सपीरियंस है, कोई हड्डी वड्डी ना टूटी, और दूसरा मिनाल हमारे साथ है, तो फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं मज़ा आ रहा है। खैर अच्छा, बहुत ही लेवल का माहौल है ब्रो, ये बंदा किधर जा रहा है। वाओ लेवल है। अच्छा जो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं ना, यहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह होती है और लोग कर रहे हैं, देखने में मज़ा भी बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोग डेफिनेटली ना करेंगे ना कर सकते हैं। उसके दो रीज़न हैं, एक तो हमारे पास ये किट्स नहीं है क्योंकि ये लोग अपनी खुद लेके आते हैं, सेकंड ये कि मिनाल हमारे साथ, अगर हमें करनी आती भी होती तो हम लोग ना करते, और हमें आती भी नहीं है तो क्या करें हम लोग। ये देखो कितने मज़े से लोग आ रहे हैं, कसम से किस दिन सीखेंगे यार, ऐसे मज़े का सीन आ ना। मतलब ये जो बाइक सी बनी हुई है, किस लिए है? इसलिए हम बैठे नहीं, ये यानी कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। मतलब कुछ एक्सीडेंटली गिर गया, कुछ हो गया शायद, इसलिए मेरे ख्याल से ये
स्नोमोबाइल जो है इसके ऊपर जाते होंगे। सर्दी लग रही है। कितना मजेदार वेदर है ना। और दूसरा है कि मिनाल सो रही है गाड़ी में, तो हमने उसको गाड़ी में बैठाया हुआ, गाड़ी के पास ही खड़े हैं। कह रहे हैं कि बिगिनर्स जो है ना वो आ भी नहीं सकते और ऑल गेट्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये ऐसा सीन हुआ है अभी फिलहाल के लिए। ये स्नो है, कितनी मजे की लग रही है। हुई हुई हुई, मजेदार स्नो है, नहीं करो पंगे नहीं लो स्नो के साथ। अच्छा भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली है सारी। क्या कहते हैं, उन्होंने कह रहा है सबसे पहले तो आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए ये वाला, और दूसरा ये कि टिकट है, लेकिन टिकट का काउंटर यहाँ पे बंद है, हमें मेन साइड पे जाना होगा वहाँ से टिकट लेने के लिए। लेकिन टिकट लेने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने ऊपर जाने नहीं देना हमें। मैंने उनको बोला भी हमें ऊपर जाने दो और वहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, ऐसे अलाउ नहीं है, आपको स्की करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए तब आप जा सकते हो। तो ये सीन है, तो हमारा तो सीन हो गया बैड। अब क्या करें हम, सेकंड लोकेशन पे चले। लेकिन मजा आया यार, हम राइस लेकर आए, सब कुछ लेकर आए खाने के। नहीं वो यहाँ के लिए थोड़ी लेके आए हैं, ये तो मेन लोकेशन थोड़ी है, मेन पे तो हमने आगे जाना है। अभी लेक पे जाएंगे ना, वहाँ बैठ के खाएंगे, सारा कुछ करेंगे। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे अपना ये देखो, वो गिरा पड़ा बच्चा, पता नहीं जान के गिरा। ओके, ये देखना कैसे लोग आ रहे हैं, की कर रहे हैं, ये देखो मजेदार है। हमारे से कभी भी नहीं होगी, 10 बार टांगे तो आई होंगी हमने। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इनको सर्दी लग रही है मैडम को, और मैंने जो है अपने हाफ स्लीव जो है ना वो पहनी हुई है सिर्फ फोटो वगैरह के लिए, कि फोटो वगैरह और वीडियो अच्छी है। आंखों में पानी आ रहा है ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो खैर ब्रो, ये कुछ यहाँ पे सीन है, अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया हमें, बल्कि उस साइड पर ना जाकर देखें, वहाँ पे व्यू अच्छा मिलेगा हमें, है ना। लेट्स गो दैट साइड। लेकिन अब पिक्चर होगी, ओके दे दो मुझे फिर। यहाँ पे जो है ना भाई, लेक नीचे से नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है। खैर यार, यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, ओके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर ली है, और अब जो है ना टाइम हो गया नेक्स्ट लोकेशन पे जाने का, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, लाइट में मज़ा आता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे तो जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल का सीन हो गया है। मैं गिरने वाला था और बच गया यहाँ पे। अच्छा भाई, हम लोग गाड़ी में वापस आ गए हैं, हमारा दिल ये भी कर रहा था कि कोका कोला पीते हैं यहाँ बैठ के फुल ठंड में, लेकिन हमने कहा कि थोड़ी देर में। ये क्या हुआ, इतनी वो निकली है उससे पटाखे, सारी स्पाइसी चीज़ें लेके आई हो। खैर मिनाल सोई हुई थी, ये शुक्र है सोई रही, मुझे डाउट था कि कहीं उठना गई हो, तो सोई हुई है, कार्टून चल रहे हैं इसके। और अभी हम जाना, अच्छा ये जाने से पहले मेरा ना कोका कोला पीने का दिल कर रहा था। दो ऑप्शन है, या तो बोतल के इसके अंदर रख के ठंडी कर लूँ और थोड़ा वेट करूँ, या फिर यहाँ से बर्फ़ ले लूँ। तो मैंने ये सोचा कि ऊपर से थोड़ी सी साइड पर कर लेते हैं बर्फ़, और यहाँ से मैं कप में डालता हूँ बर्फ़, फ्रेश बर्फ डाल के इसमें कोक डाल के पीते हैं, मज़ा आएगा। देखो एक्स्ट्रा ना हो जाएगी, ख्याल करना। ओह वाओ, कितनी मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। ठंडी हो गई है ना, गर्म थी पहले। अच्छा भाई, नेक्स्ट एक स्टॉप मैंने किया है, यहाँ पे क्या ही प्यारा व्यू है, लेक है सामने जो है ना, और अगर हम लोग यहाँ पे भी रुक जाए ना तो सनसेट देखने में मज़ा आएगा। तो काफ़ी मज़े की लेक है, काफ़ी बड़ी सारी लेक है, लेकिन हम लोग नीचे जाएंगे इस लेक के पास, तो अभी पहाड़ों के अंदर ही हैं। नॉर्थन एरियाज़ की जो है ना वो वाइब आ रही है सारी, क्योंकि ग्रीनरी है, प्लस यहाँ पे स्नो हो रही है, काफ़ी मज़े का सीन है। यहाँ पे और भी लोग रुके हुए हैं, कुछ फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है उसके ऊपर जाके, तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हमने जिस पॉइंट पे पहुँचना, वहाँ पहुँचने के बाद वो लैम्बोर्गिनी जा रही है, देखो पहाड़ों के अंदर ये चेक करो, लैम्बोर्गिनी उड़ाई जा रहा है बंदा। अच्छा, ऐसे फील हो रहा है पाकिस्तान में घूम रहे हैं, नॉर्थन एरियाज में, है ना। 1000 feet at the traffic circle। और तो हम लोग किंग बीच पे पहुंच गए, और मैंने जो है ना अपना कोट पहन लिया, ठंड ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पे भी जो है ना कोट अपने चेंज हो चुके हैं। खैर अभी जो है ना काफ़ी प्यारा वेदर हो रहा है, और क्या हुआ, व्हाट उठ गई, हाउ डू यू नो,
सॉरी उठा लो आप उसको और मोटी उसको उठना था वैसे उठ के मिनाल उठ मिनाल भी उठ चुकी है सो रही है अच्छी से अब फ्रेश हो चुकी है और इसने जो है ना चिप्स खा ली थी वो चिप्स अभी तक लगी हुई चिप्स खाते खाते सो गई थी लेट्स गो नाउ मैंने भी भाई कैप पहन ली है ठंड बहुत ज़्यादा तो और तो यहाँ पे स्लाइड है स्लाइड लेने लगे हैं आप भी साथ आओगी इसको छोड़ ना देना गिरेगी नहीं गिर जाएगी छोड़ दो मम्मा ने आपको फेंक दिया मम्मा जो गंजी मम्मा है वो रखो मम्मा खुद भी आ रही है वो देख लो बदतमीज बहुत हो अपने सर बिठा के लिया थी अगर ऐसे करना ही था तो ओ बॉच मम्मा ने बाला आपको मम्मा बहुत गंदी मम्मा है मेरी बच्ची को फेंक दिया था ऊपर से मम्मा ने ऐसा किया था ये देखो कितना प्यारा व्यू है चलते हैं आगे ये देखो ना यहाँ से बीच की फील आ रही है ये देख के रेत देख के है ना मलेशिया में ना एक बीच था उसके ऊपर ना सेम ऐसा व्यू था तो वो मुझे उसकी याद आ गई है मैं 2000 पता नहीं कौन से 15 में तो नहीं खैर लेकिन पहले का गया हुआ था वहाँ पे ये देखो ये हस्की है ये घूम रहा है यहाँ पे और ये लेक है बतखें अंदर देखना कितनी प्यारी लग रही है ना कितना नीट है दिल को क्लीन है बतखें देखो कैसे घूम रही है आराम से जो रेत है वही क्लीन है आ जाओ ये पाकिस्तान होता पढ़ के खाए थे इसको है ना लव लॉक ब्रिज उन्होंने लोगों ने बनाया हुआ है ये देखो यहाँ पे लॉक लगाए हुए हैं दुबई में तो बहुत आए थे आपको दुबई का आ गया याद लव लॉक ब्रिज है ना जब आपने अपने बेईमानी की थी मेरे साथ यार व्यू काफी मजे का वहाँ जाकर फोटोग्राफी करते हैं जगह बैठने के लिए नहीं नहीं वैसे तोड़ा होगा किसी ने बैठने के लिए नहीं ओपन की हुई ये देखो लोगों ने कितने ज़्यादा लॉक यहाँ पे लगाए हैं थोड़े से ज़्यादा हैं उसकी पहले से है ना चलो यहाँ पे हम फोटोग्राफी करेंगे तो भाई ये है कुछ यहाँ का व्यू और यार काफ़ी मज़ेदार है नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है आप लोग कहीं पे भी चल जाओ आपको ग्रीनरी राजमी मिलेगी उसके बाद ये लेक्स वगैरह हो गए और ओहो बहुत ही मज़े की जगह क्योंकि मैं तरह से जाता था दुबई में ये देखने के लिए और यहाँ पे देख के मज़ा आता है और तो भाई अंधेरे का टाइम होने वाला तो हमने सोचा कि वापसी की तरफ निकलते हैं खाना वैसे हमें हल्की हल्की भूख लग भी रही है लेकिन हम स्नैक वगैरह खाते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा तलब नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि सामने जो है ना यहाँ पे एक मार्केट है यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है ना इसके अंदर ये बर्गर वगैरह बना के देते हैं इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर तो हलाल बर्गर मिलता है हमें यहाँ से तो फिर हम लोग यहाँ से बर्गर वगैरह खाएंगे अगर हलाल बर्गर नहीं मिलता तो फिर हम लोग राइस वगैरह भी घर से बना के आए थे या वो खा लेंगे या घर जाके खाएंगे डिपेंड्स देखते हैं ज़्यादा पहले जाके मैं वहाँ से पूछ लेता हूँ और ऐसे भाई मैं यहाँ मार्केट में ऐसा इनके पास तो हलाल वगैरह कुछ भी नहीं है मैंने इनसे पता किया खैर काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है मार्केट अच्छी चीज़ है मैंने उनसे पूछा हलाल है उसको समझ नहीं आई मुझे पता लग गया कि भाई नहीं होगा मैंने कहा इसके लिए कहती और नो सॉरी वी डोंट हैव तो इसका मतलब इनके पास हलाल नहीं है लेकिन न्यूयॉर्क में जगह जगह पे हलाल मिल जाता तो इसलिए मैंने कहा कि लेट्स ट्राई तो खैर चलते हैं अभी अपनी गाड़ी की तरफ और अपना खाना खाते हैं भाई बजाय इसके कुछ और खा लें यहाँ से उनके पास हलाल भी नहीं है और उनके पास बर्गर भी नहीं है तो फिर अब वाला आपने अभी खाना या घर जाके खाएं क्या करना होता इट्स अप टू यू घर जाके खाते हैं यहाँ पे क्या सब चीज़ें निकालेंगे लेट्स गो